तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थी एंड मुझे समझ ये लो भाई आ चुकी है सुम्बुल तौकीर की गुड गुड वाली मॉर्निंग। जी हाँ, सुम्बुल सुबह सुबह पहुंच चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और सुम्बुल के साथ हुआ है कुछ ऐसा मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या। दरअसल सुम्बुल गई वहाँ पे, उन्होंने देखा कि कॉर्न सूप था। हाँ, तो सुम्बुल ने शायद इंडिया में भी ट्राई किया था कॉर्न सूप, तो सुम्बुल को बहुत पसंद आया था। तो सुम्बुल ने सोचा कि बस अब तो ये मेरी फेवरेट चीज़ आ रही है, तो सुम्बुल ने ऑर्डर कर दिया। अब जब ऑर्डर कर दिया, जब वो आई तो वो मीठी थी। सुम्बुल उसके पहले ये पढ़ना भूल गई थी कि भैया उधर लिखा था स्वीट कॉर्न सूप। अब ये हुआ है गड़बड़ की वो बहुत मीठी थी और उसमें था बहुत सारा शक्कर और इसकी वजह से सुम्बुल तौकीर हुई अनकंफर्टेबल। और जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ एज अ गर्ल। तो भैया लड़कियों की आदत है किसी भी चीज़ में थोड़ी सी अपना तड़का, अपना मिर्च मसाला डाल के कुछ अलग बनाने का, और सुम्बुल ने भी वही किया। जब अपना तड़का डाला, यानी कि उसमें काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला, तो सुम्बुल को क्या पता टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप मीठे में काली मिर्च और नमक डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। और ये वो हो चुका है बिल्कुल कड़वा और अब वो सुम्बुल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई साहब। तो ये पंगा हुआ है सुम्बुल तौकीर के साथ। फिर सुम्बुल ने कुछ और आई थिंक ऑर्डर किया और फिर सुम्बुल का ये भी कंसर्न था कि भाई ये जो उठाने आएगा जो वेटर मेरी प्लेट, वो देखेगा कि इस सूप में काली मिर्च और नमक गया है, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि अभी जो आई थी लड़की वो कैसी है। तो ये कंसर्न है सुम्बुल का कि भाई क्या करूँ मैं। तो ये पंगा हुआ है। हमें दूसरी तरफ आपको फरमान खान की तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये उनके शो से है। और अभी आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्र में होता है ढेर सारा धमाल मस्ती, क्योंकि टेलीविज़न पे नवरात्र का टाइम बड़े स्पेशल तरीके से मनाया जाता है। तो बस ये तस्वीर उसी के लिए है कि आप स्टार प्लस देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखिएगा, वहाँ पर आपको फरमान खान नज़र आएंगे अपने नए अवतार में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आपको यह लिखना कमेंट में लिखिए।